हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे रेजिमेंट में एक बहादुर ऑफिसर है, हूम आई कैन डिपेंड। आखिर क्यों फिल्म के पोस्टर में इस हथियार को इतनी अहमियत दी गई है? क्या कहते हैं इस हथियार को, और क्यों फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार से ज्यादा अहमियत इस हथियार की होने वाली है? फिल्म की कहानी क्या है और ये फिल्म कैसे होने वाली है खास, और साथ ही ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिलेगी? तो अगर आप भी ये सब बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार हमेशा से ही हटकर दिल छू जाने वाले मुद्दों के ऊपर फिल्म करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अक्षय कुमार अपने करियर की सबसे बड़ी और खास फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है गोरखा। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दूं, गोरखा इंडिया की ऐसी बटालियन है जिनका एक सोल्जर दुश्मन के 100 सोल्जर पर भारी होता है, और जो जंग में भी बिना हथियार के लड़ने का हौसला रखते हैं। और ऐसे सूरवीरों के ऊपर इंडिया में पहली बार फिल्म बन रही है, और जिसमें अक्षय कुमार रियल गोरखा सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मेजर जनरल आयान कार्डगोज की, जिन्होंने 1971 में हिंदुस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है उनके साथ हुई जंग में गोरखा सोल्जरों ने किस तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। और दोस्तों कहते हैं गोरखा सोल्जर इतने बहादुर होते हैं कि अगर उनके बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाएं तो वो अपने हथियार यानी खुकरी से दुश्मनों को मार गिराते हैं। और गोरखा सोल्जर की खुकरी में कितनी ताकत होती है वो आप फिल्म के पोस्टर को ही देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि पोस्टर में जितना अक्षय कुमार को दिखाया गया है उतना ही खुकरी को भी। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय चौहान, और इस फिल्म के निर्देशक है आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा। और जैसे कि आप लोग सब जानते हो, अक्षय कुमार बहुत तेजी से काम करते हैं क्योंकि उन्हें साल में 4 फिल्में बनानी होती हैं, और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है ये फिल्म आपको 2022 में देखने को मिल जाए। ऐसे में दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है फिल्म को लेके कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।